सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सवाल में बदल दिया है, ये हमारा पैसा है, हमारे भारतीयों का पैसा है, क्या हमारा हक नहीं बनता इस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए कि हमारी सुरक्षा के लिए जो सामान खरीदा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है, जो एक न्यायपालिका उसके ऊपर वर्डिक्ट दे रही है, क्या उसको साफ नहीं करना चाहिए था कि 570 और 1670 करोड़ में कोई फर्क नहीं है। नमस्कार, रूस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रफाल डील पर जो फैसला आना था वो आ गया है। रफाल डील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसमें मोदी सरकार यानी केंद्र की सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। इस फैसले के आते साथ जितने भी राजनेता हैं उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने तरह से उस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 जजों की बेंच बैठी थी जिसके चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब के साथ 2 और जजेस थे। इन सब का एक जैसा मत था। इसमें यह कहा गया कि जो निर्णय करने की प्रक्रिया थी वो एकदम सही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह की खामी नहीं नजर आई। पॉइंट नंबर दो में ये है कीमत सही है। कीमत में सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह की कोताही नहीं दिखी, किसी भी तरह की गलती नहीं नजर आई। तीसरा पॉइंट, जो रिलायंस एविएशन को जो ऑफसेट पार्टनर चुना गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फैसला है वो पूरा का पूरा डिफॉल्ट एविएशन का था। डिफॉल्ट एविएशन ने रिलायंस डिफेंस को चुना है, तो सरकार को इसमें खींचने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार का इस फैसले में कोई हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने सवाल में बदल दिया है। पहला जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो प्रक्रिया प्रणाली है वो एकदम सही थी, उसमें हमें किसी भी तरह की कोई खामी नहीं नज़र आई है। अब हम आपको बताते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है ये सबसे पहले एयरफोर्स से यानी जो वायुसेना है उधर से आती है, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के द्वारा यानी इस प्रोसेस के द्वारा वो ये बताते हैं कि हमारे पास इतनी कमी है, हमें इतनी जहाजों की जरूरत है या फिर इतने आर्म्स और अम्यूशन की जरूरत है। ये बात जो है डिफेंस एक्यूजेशन काउंसिल में जाती है, वो एनालाइज करते हैं जो वायुसेना की जरूरत है वो क्या वाकई में उतनी है या फिर नहीं है। वो जब एक बार एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद एक टेंडर निकाला जाता है, इश्तिहार दिया जाता है, ये बताया जाता है कि वायुसेना को ये चीज़ की ज़रूरत है। जितनी भी दुनिया भर में कंपनीज हैं वो सब अपने टेंडर्स भरती हैं। ये जो पूरी प्रणाली है इसको बहुत ध्यान से जो भारत सरकार है उसके नेतृत्व में किया जाता है। भारत सरकार ने इस किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो कि 2007 में वायुसेना को 126 फाइटर जेट्स की जरूरत थी, 2018 के आते आते यकीनन वो जरूरत बढ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला ये है जो कीमत है, कीमत पर उनको किसी भी तरह की खामी नहीं नजर आई। आप हमें बताइए, 570 करोड़ रुपए में एक रफाल जो खरीदा जा रहा था 2007 में, 2015 के आते आते 1670 करोड़ रुपए का कैसे हो जाता है, जो 2007 में 108 जो हवाई जहाज थे वो हिंदुस्तान में बनने वाले थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसको बनाने वाला था, 2015 के आते आते वो कैसे रिलायंस डिफेंस की तरफ चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी 570 करोड़ रुपए एक तरफ और 1670 करोड़ रुपए एक तरफ। आप देखिए, 3 गुना कीमत बढ़ाकर हम जहाज खरीद रहे हैं, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह की खामी नहीं नजर आई? ये हमारा पैसा है, हमारे भारतीयों का पैसा है, क्या हमारा हक नहीं बनता इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए कि हमारी सुरक्षा के लिए जो सामान खरीदा जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है, जो एक न्यायपालिका उसके ऊपर वर्डिक्ट दे रही है, क्या उसको साफ नहीं करना चाहिए था कि 570 और 1670 करोड़ में कोई फर्क नहीं है? 2007 में जो कुल कीमत है 126 फाइटर जेट्स की वो थी 5.2 बिलियन यूरोस, 2015 के आते आते ये बढ़ जाती है 8.2 बिलियन यूरोस, जो कि सिर्फ 36 फाइटर जेट्स की होती है, यानी
पैसों में भी यहाँ पर बहुत बड़ा घपला नज़र आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को शायद नहीं नज़र आया। काफ़ी बड़ी कीमत पर अब हम लोग खरीद रहे हैं, जो पहले काफ़ी कम दामों पर हम खरीद रहे थे। फैसला नंबर 3, ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं थी। ऑफसेट पार्टनर डिफेंस डिफॉल्ट एविएशन ने चुना है, जो कि रिलायंस एविएशन को सीधे तौर पर चुना गया है, तो सरकार को इस पे हम नहीं खींच सकते हैं, तो उस पर भी सरकार को हम क्लीन चिट दे देते हैं। अब हमारा ये सवाल है, जो डिफेंस का प्रोसीजर होता है, जिसमें साफ साफ लिखा है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, और उसके साथ ऑफसेट पार्टनर चुनने की जो गाइडलाइंस है, इन दोनों में ही ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी टेंडर जो है, बिना डिफेंस मिनिस्टर की साइन के, उनकी इजाज़त के नहीं पास हो सकता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर, जो कि भारत सरकार के ही एक नुमाइंदे हैं, उनकी नज़रों के बगैर सीधे डिफॉल्ट एविएशन ने एक हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी, जिसकी जो कुल जो वैल्यू है वो सिर्फ 5 लाख रुपए है, उसको उठा के पकड़ा दी। आप ये चीज़ पर कैसे पलट सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर कैसे पलट सकता है कि सरकार का इसमें कोई दखल है ही नहीं। हमारे ये 3 सवाल यकीनन आपके होश उड़ा चुके होंगे, हमारे ये 3 सवाल यकीनन आपके दिमाग पर और सारे सवाल खड़े कर चुके होंगे। आप खुद सोचिए, आप खुद हमें जवाब दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट जो आज आया है वो सही है या फिर गलत है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगर न्यायपालिका ही अपने जो वर्डिक्ट है वो इस तरह से देने लगेगी, तो न्यायपालिका से जो भरोसा, हिंदुस्तान की जनता को जो भरोसा है, उससे धीरे धीरे उठ जाएगा, और शायद कल कोई भी न्यायपालिका की तरफ नहीं जाएगा। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहे, जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।